भारत में सिनेमा निरंतर नए आयाम छू रहा है और मेरी कामना है कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहे। एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट में हमारे युवाओं की प्रतिभा का सम्मान पूरी दुनिया कर रही है। देखिए, दुनिया में जैसे मेक इन इंडिया एक महत्व है, वैसे डिजाइन इन इंडिया इसका भी एक महत्व है। हमारे पास जो क्रिएटिव टैलेंट हैं वो दुनिया को बहुत कुछ दे सकती हैं, लेकिन उसके लिए एक सशक्त करने के लिए एक सरकार ने नेशनल सेंटर फॉर एक्सलेंस फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स, उसकी भी स्थापना करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और वैसे मैं तो ये चाहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री मिलकर भविष्य में, और ये विचार मैं आग्रह से आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्या समय की मांग नहीं है कि दुनिया में हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, जो इतना बड़ा क्रिएटिव वर्ल्ड है, पूरा विश्व की तुलना में बहुत बड़ी ताकत है हमारी, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की दिशा में काम करते करते सीख जाएं। घर में पहले कोई गाड़ी साफ करने के लिए रखते हैं, बाद में वो ड्राइवर बन जाता है, अब उसमें कितने साल जाते हैं। आज देश में मुझे लगता है आवश्यकता है कि एक कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट, उसके लिए एक अलग यूनिवर्सिटी हो। अगर फिल्म इंडस्ट्री के लोग इस विषय को लेकर के आगे आते हैं और एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी जो इसी काम के लिए, जिसमें टेक्नोलॉजी हो, जिसमें क्रिएटिविटी को स्कोप हो, जिसमें दुनिया के चलते प्रवाहों की दुनिया में हम कैसे, उसमें फाइनेंस वर्ल्ड की भी विषय हो, अगर उस प्रकार से कोई प्रपोजल लेकर के, और मैं चाहूँगा कि ये सब सरकार करे तो पता है साहब सरकार क्या करेगी। तो प्रधानमंत्री मैसेज आया कि मेरी फिल्म बनाओ, तो मुझे वो नहीं कर रहा है। देश के सामान्य मानवी के लिए जो काम आए, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हम विकसित करें, अगर आप उस प्रकार की बात देंगे, सरकार पूरी तरफ से सहयोग करेगी, पूरा सहयोग करेगी। लेकिन आइए हम सब मिलकर के देश के लिए और इस देश को दुनिया के लिए कुछ करने के लिए तैयार करें, ताकत के साथ आगे बढ़े। ये क्षेत्र मैं सामान्य नहीं मानता हूँ, भारत की ये असामान्य पूंजी है। 100 साल की आपकी तपस्या का परिणाम है, दुनिया को भी आप पर हक है, हमारा भी जिम्मा है कि दुनिया को इससे परिचित कराएं, दुनिया को प्रभावित करें और दुनिया को प्रेरित करके हम भारत का झंडा गाड़ने में आगे आएं। इसी एक अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।